नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेक्ट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए हम निरंतर आप सभी के लिए कुछ ऐसे विषयों पर लेक्चर्स आयोजित करते हैं जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ आनंद की अनुभूति करते हैं। आपके निरंतर मैसेजेस, आपके पैगाम, आपके ईमेल्स हम तक पहुँचते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आपकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए हम संगीत विषय में आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय शास्त्रीय संगीत में घरानों की परंपरा। हमने अपने पिछले कुछ सेशंस में आपसे जिक्र भी किया था कि हम एक ऐसी सीरीज, एक श्रृंखला आपके लिए शुरू करेंगे जिसके माध्यम से आप विभिन्न घरानों से मुखातिब हो पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे कि ये घराने क्या हैं और एक घराना दूसरे घराने से अलग किस प्रकार है। आज ये प्रथम लेक्चर है, हम ये कहेंगे कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें आज हम आपको परिचय देंगे परंपराओं के बारे में, घरानों के बारे में, जिसके माध्यम से आपके मन में कहीं ना कहीं और उत्सुकता पैदा होगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज के इस ख़ास सेशन के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, जो HOD हैं भारती कॉलेज के संगीत विभाग में। आप शिष्य हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। आपका संबंध है रामपुर सदारंग परंपरा से। 5 साल की उम्र से आपने संगीत से दोस्ती करनी शुरू की और दोस्ती का ये सिलसिला बखूबी आप निभाती आई हैं और आज निरंतर सीख भी रही हैं और सिखा भी रही हैं, क्योंकि आपका मानना है कि ये जो प्रक्रिया है सीखने और सिखाने की, लगातार उम्र भर चलनी चाहिए। इन्होंने नेशनल आर्काइव्स के लिए कई कार्यक्रम प्रोड्यूस करे, ध्वनियांकित करे और ये मौजूद हैं, आप चाहें तो यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। कई शोध पत्र लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, आलेख लिखे हैं, आपको जब मौका मिले आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। बताना चाहेंगे कि आज सेशन के लिए एक बार फिर से इनके साथ तानपुरे पर मौजूद हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं, और तबले पर हैं लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। सरिता जी, बहुत उत्सुकता है मन में जब हम घरानों की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस होता है और पूरे हिंदुस्तान में ही क्या, देश विदेश में भी आपके लेक्चर्स को देखा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग दूर बैठे हैं कहीं ना कहीं वो भी मिट्टी की जो खुशबू है उसे महसूस कर पाएंगे इन लेक्चर्स के माध्यम से। जी बिल्कुल, जैसे शब्द जो है घराना, ये घराना शब्द एक ऐसा है, बड़ा इसमें एक आत्मीयता आती है इस शब्द को सुनते ही। और जैसे कि गीतिका ने कहा कि देश विदेशों में भी जो भी इन लेक्चर्स के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन सबको जहाँ ये शब्द घराना आएगा वहाँ पर उनको ज़रूर जो है अपने घर की याद आएगी। और ये शब्द अपने आप में बताता है कि इसका संबंध ज़रूर घर से है। घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इंसान महसूस करता है। तो संगीत में घराना क्या है, घराने की परंपरा क्या है, बहुत सी जिज्ञासाएं मन में आती हैं कि आखिरकार घराना शब्द क्यों, ये एक क्या चीज़ है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि जो इसको जो है घराना कहा गया। हम जब संगीत की बात करते हैं, ख़ास तौर पे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, क्योंकि घराना जो परंपरा है उसका संबंध उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। तो अक्सर आप कभी किसी प्रोग्राम को सुनने जाते, किसी कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं, तो आप वहाँ ये सुनते होंगे कि अमुक कलाकार जो हैं इस घराने से हैं, या इस घराने से इन्होंने तालीम पाई, इस घराने के गुरुओं से इनकी शिक्षा हुई है। तो आपके मन में जिज्ञासा स्वाभाविक सी है आनी कि आफ्टर ऑल घराना है क्या। घराना एक बिल्कुल जो इसकी डेफिनेशन कहूँ या बिल्कुल सरल शब्दों में इसको परिभाषित करूँ, तो घराना एक स्थान विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है वहाँ पर वो एक इस प्रकार से एक परिष्कृत रूप में एक शैली जो है जो प्रचार में आती है वो घराना से संबंध रखती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष से जुड़ी हुई कोई शैली,
या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा परिवर्तित, यानी उसने उसको उसको बनाया है उसके उद्भव में, उसके विकास में, उसको व्यवस्थित करने में जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसी जो शैली, ऐसी एक रीति, ऐसी एक विधि और ऐसी एक स्टाइल जो है वो घराना परंपरा कही जाती है। जैसे मैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से आपको दूं कि कहीं पर हम कहते हैं कि अमुक स्टाइल, हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी एक चीज़ है, या हम कहें कि ये फुलकारी जो शैली है ये पंजाब की है, या हम कहते हैं कि कांजीवरम जो है साड़ीज़ का, हम उसको एकदम कनेक्शन जोड़ते हैं साउथ से। तो इसी प्रकार से जब घराने की बात आती है संगीत में, इसका मतलब कि जिस प्रकार से फुलकारी एक शैली है, कांजीवरम एक शैली है, इसी प्रकार से ललित कलाओं में संगीत की जो शैलियां हैं, यानी गायन वादन की जो एक स्टाइल है, वो जो एक स्टाइल है वो घराना परंपरा कहलाती है। और ये स्टाइल एक दिन में नहीं बनती, स्टाइल को बनने में पीढ़ियां लगती हैं, यानी कई पीढ़ियों से जब एक ही स्टाइल को विकसित किया जाता है तो वो एक घराना परंपरा के रूप में सामने आती है, तब हम उसे कहते हैं घराना। तो घराना जो है इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि नामकरण जो इसका हुआ है वो इसी प्रकार से हुआ है कि एक स्टाइल को किसी स्थान से जोड़ दिया गया हो। जैसे हम कहते हैं कि रामपुर परंपरा, आप अक्सर जब मेरे बारे में गीतिका आपको बताती तो उसमें कहती भी रामपुर परंपरा या रामपुर घराना, तो इसका मतलब है कि मेरा जुड़ाव या मेरा संबंध या मेरी तालीम, मेरी शिक्षा जो है वो रामपुर घराने से हुई है। यानी रामपुर एक स्थान है, रामपुर उत्तर प्रदेश में एक स्टेट है, और रामपुर के नवाब जो हैं वो स्वयं बहुत संगीत के मर्मज्ञ थे और संगीत के जो के विकास में, उसके योगदान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे जो गुरुओं ने मुझे जो तालीम दी है वो उनके गुरुओं को जो तालीम मिली और उनके गुरुओं को जो तालीम मिली, यानी एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक प्रणाली, एक स्टाइल, एक रीति, एक विधि चली आ रही है संगीत की इस धारा में, ये रामपुर नामक एक जो स्थान है, जो स्टेट है, उससे जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको स्वभावतः रामपुर घराना या रामपुर परंपरा कहा गया। तो ये उदाहरण के तौर पे यदि आप किसी चीज़ को समझेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को उसमें कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से बहुत से घराने हैं, बहुत सी स्टाइल्स हैं, यानी जिस प्रकार से हम कहते हैं ग्वालियर घराना, यानी ग्वालियर स्थान से उसको जोड़ा गया, इंदौर घराना, जहाँ पर कि आमिर खान साहब जो है वो उनकी उनकी जो शैली थी उसको इंदौर घराने से जोड़ा गया। तो इसका मतलब कि उस शैली को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में आमिर खान साहब का जो है, उस्ताद आमिर खान साहब का जो है बहुत बड़ा योगदान था। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सरल शब्दों में आप यदि समझना चाहें तो हम कहते हैं कि किसी स्थान या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जब कोई स्टाइल जो है उसके डेवलपमेंट में एक अरसा बिताया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फिर उसके आगे की जनरेशन में वो स्टाइल उसी प्रकार से एक धरोहर के रूप में दे दी जाती है, तो एक समय बीतने के बाद उसको घराना यानी एक परंपरा का उसको नाम दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने आपको घराने के विषय में बताया। अब घराने की जो बात है, ऐसी क्या ख़ास बात है घराने में? देखिए, जैसे कि हम सभी अपनी दैनिक ज़िंदगी में अक्सर हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति के पास ये पैतृक संपत्ति थी और ये पैतृक संपत्ति उसने अपने बेटों को दी, उसने आगे चल के अपने बच्चों को दी, आगे और उनके बच्चों को, तो ये एक पैतृक संपत्ति, यानी जो पिता से पुत्र को, पुत्र से आगे उसके पुत्र को जो लगातार मिलती चली आ रही है, तो वो पैतृक संपत्ति की तरह इस घराने की परंपरा को लिया जाता था। यानी जो कुछ भी विशेषता, जो कुछ भी स्टाइल में विशिष्टता रही है, वो विशिष्टता जो है वो जिस जो उसके प्रवर्तक रहे या जो शुरू जिन्होंने उस घराना परंपरा की नींव रखी, उस अमुक घराने की, उसने उस शैली को अपनी आगे की पीढ़ी को दिए और उन्होंने उसके आगे की पीढ़ी को दिया। तो जहाँ पर घराने की बात आती है तो ये एक तरह से कहा जाए कि एक धरोहर, धरोहर शब्द बहुत खूबसूरत है इसके साथ, एक ऐसा संग्रह जो धरोहर के रूप में उस शैली को आगे की पीढ़ी को पहुँचा दिया जाता है। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद जो है वो एक घराने के रूप में सामने आती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ लेते हैं।
तो पुराने समय में क्या होता था कि दरबारों में संगीत था, तो राजा महाराजा जो बड़े बड़े बादशाह होते थे, या राजा महाराजा राजे रजवाड़े जिन्हें कहा जाए, या कि रईस लोग भी जो हुआ करते, बहुत पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों में संगीत का शौक़ था। और ये लोग संगीत की जो क्या कहा जाए कि उसकी वैल्यू भी समझते, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझते थे कि जीवन में संगीत का क्या महत्व है। तो इसीलिए अपने दरबारों में ये बड़े बड़े संगीतज्ञों को, बड़े बड़े गुणवानों को, विद्वानों को जो है अपने दरबार में जो है नियुक्त करते थे। जैसे हम आपने सुना होगा कि वो राज गायक नियुक्त हुए, राज संगीतक नियुक्त हुए, तो ऐसे जो अपने शासनकाल में अपने दरबार में जो है इस प्रकार के विद्वानों को रखना एक शोभा मानी जाती थी, बड़े प्राउड की बात थी, यानी गर्व होता था उनको कि हमारे पास, हमारे दरबार में ये रत्न है। आपने तो सुना होगा कि बादशाह अकबर के दरबार में मियाँ तानसेन जो थे उनके 9 रत्नों में आते थे। तो यानी कि जो शासक था, जो बादशाह था, या जो राजा जो हुआ करता था, महाराज जो थे, उनके दरबार में संगीतज्ञों की बड़ी इम्पोर्टेंस थी, उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। और यदि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, या हम कहें कि जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है, बादशाह कहें, राजा कहें, महाराजा कहें, यदि वो उस कला की इम्पोर्टेंस करना जानता है या उसकी कदर जानता है, तो स्वाभाविक से बात है कि उसके राज्य में सभी उसकी कदर करेंगे। और ये बात मैं एक और बात जोड़ती हूँ कि पुराने समय में, अति प्राचीन काल की बात यदि करें, तो आप अक्सर ये पढ़ेंगे इतिहास में कि जब है एक उम्र के बाद जो है महाराजा महाराजा लोग जो है गुरुकुल में भेज दिया करते थे अपने बच्चों को, और वहाँ पर उनकी शिक्षा हर क्षेत्र में होती थी। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की उनको तालीम नहीं होती थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उनको अस्त्र और शस्त्र की तालीम भी होती थी, उनको किस प्रकार राजनीतिक और उस दायरे को देखते हुए कूटनीति भी सिखाई जाती थी, कला के क्षेत्र में संगीत की भी तालीम उनको दी जाती थी, और इसके अलावा गणित की तालीम, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे कार्य होते थे, यानी किस प्रकार से आश्रम के अनुशासन को के अकॉर्डिंगली चलना, वो उनको वहाँ पर सिखाया जाता था। और वहाँ पर ये नहीं होता था कि ये राजा का बच्चा है या किसी और का बच्चा है, वहाँ जितने भी शिष्य होते थे गुरुकुल में, उन सबको समान दृष्टि से देखा जाता था और हर तरह की तालीम उनको दी जाती थी। आप इसका उदाहरण ये देख सकते हैं कि महाभारत में जिस प्रकार की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में है, वहाँ पर अर्जुन ने जो है उनका बाद में आपने ये पढ़ा भी होगा, अर्जुन जो है वो मृदंगाचार्य रहे, तो कैसे उनको तालीम कहाँ मिली, इन्हीं गुरुकुल में जब वो अपने गुरु के आश्रम में गए वहाँ पर उनको इस चीज़ की तालीम मिली, यानी संगीत की तालीम भी उसमें से बड़ी एक मुख्य बात थी। तो खैर, मैं घरानों की बात करती हूँ, तो ये इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। तो जहाँ पर संगीत की बात करते हैं, तो जो ये राजा महाराजा, यानी जो जिस जो भी राजा होता था, बादशाह होता था, यदि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता था, उसको संगीत की परख होना ज़रूरी था। तो ये अलग बात है कि कुछ लोग इसमें, जैसे कहते हैं कि एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, इसमें कुछ लोग सही नहीं भी रहे, लेकिन फिर भी संगीतज्ञों को अपने दरबार में वो आदर का स्थान देना बहुत ज़रूरी था संगीत की कदर के लिए। और ऐसा राजा महाराजाओं ने, ऐसा बादशाहों ने जो है किया। इसी प्रकार से बाद में जब इतिहास को हम लेते हैं, तो बाद में जब बादशाहत ख़त्म हुई या राजा महाराजा भी नहीं रहे, तो उस समय बड़े बड़े रईस हुआ करते जिन्होंने इस प्रकार से उसको प्रोत्साहन दिया संगीत को। हम इसको कहते हैं कि संरक्षण देना, यानी पैट्रोनेज। तो संरक्षण क्या था कि उस दरबार में जब किसी संगीतज्ञ को नियुक्त किया जाता था, तो वहाँ पर सारा उसकी जो क्या कहना चाहिए कि उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो राजमहल की होती थी। यानी उस कलाकार को ये नहीं सोचना पड़ता था कि मैं अपना ब्रेड एंड बटर कैसे चलाऊंगा, मैं किस प्रकार से अपने घर को चलाऊंगा, या उसको कहना चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए किस प्रकार से उसको जीविकापार्जन के लिए क्या करना है, किस प्रकार से उसने पैसे कमाने हैं, या अपने घर को कैसे चलाना है, ये किसी प्रकार की चिंता उसको नहीं रहती थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो राजा महाराजा ले लेते थे। और उसका सिर्फ एक काम होता था कि अपनी जो संगीत की जो साधना है उसमें तल्लीन रहना,
और यही एक कारण था जिसे हम कहते हैं कि संरक्षण, यानी पूरी प्रकार से उसको सुरक्षा प्रदान कर देनी, पूरी प्रकार से उसको उसकी जिम्मेदारी उठा लेना, ताकि वो सब चीज़ों से, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अपनी कला को आगे बढ़ाने में, अपनी कला को जो है निखारने में जो है वो अपना पूरा पूरा 100% जो है अपना योगदान दे सके। तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि योगदान हम कहेंगे कि राजा महाराजाओं का या बादशाहों का रहा। इस प्रकार से राजा महाराजा जहाँ एक तरफ से इन लोगों को पैट्रोनेज देते थे, दूसरी तरफ से ये उनकी शान में भी, एक तरह से कहते ना कि एक फेदर जो है कैप में और ऐड हो जाना, तो उनकी शान की भी एक बात है कि उनके दरबार में कौन कौन संगीतज्ञ हैं, कौन कौन बड़े बड़े कलाकार उनके दरबार में शोभा देते हैं। जैसे कि रीवा के नरेश राजा रामचंद्र के दरबार में मियाँ तानसेन थे, तो उनको जब बादशाह अकबर जो कि राजा रामचंद बघेल जो है उनके अभिन्न मित्रों में से थे, उन्होंने जब उनको सुना तो उन्होंने कहा भाई ये कलाकार आप मुझे दीजिए, और भेंट स्वरूप जो है मियाँ तानसेन को रीवा के नरेश श्री राजा रामचंद्र बघेल जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था मियाँ बादशाह अकबर को। तो यानी उन्होंने अपना एक रत्न जो उनकी दरबार की शोभा बढ़ाता था, उस रत्न को उन्होंने जो है बादशाह अकबर को दिया, और बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों में उनको शामिल किया, और बड़े गर्व की बात थी उनके लिए कि उनके दरबार में मियाँ तानसेन जो थे वो शोभायमान थे। तो इसी प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए फेज था संगीत के डेवलपमेंट के लिए। अब मैं घरानों की बात करती हूँ तो आपका प्रश्न आएगा कि इसका घराने से क्या संबंध है। देखिए, घराने की नींव तो यहीं पर पड़ गई। अब यहाँ से इन राजा महाराजाओं के दरबार में जो भी संगीतज्ञ रहे, उन्होंने अपनी परंपरा को, यानी अपनी शैली को, अपनी शिक्षा को जो है, अपनी तालीम को उन्होंने आगे की जनरेशन को दिया, और उससे वो आगे की जनरेशन में गया। इस प्रकार से ये प्रवाहित होती हुई एक धारा रही। अब कुछ समय के बाद बादशाह भी नहीं रहे, राजा महाराजा भी नहीं रहे, तो जैसे कहते हैं कि दिल्ली का दरबार जो है वो उजड़ा, तो वहाँ पर जो उस समय के जो संगीतज्ञ थे, महान कलाकार थे, वो छोटे छोटे स्टेट्स में गए। जैसे कहा जाता है कि अवध की तरफ गए, वहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह थे, उन्होंने क्योंकि वो संगीत के खुद बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, तो वाजिद अली शाह साहब ने उनको संरक्षण दिया, तो वहाँ पर फिर संगीत जो है अपने चरम सीमा पर पहुँचा। लेकिन जब अंग्रेज़ों के आक्रमण के बाद जो है अवध पर भी अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया, तो वहाँ से जो है कलाकार लोग जो है वो वहाँ से उनका पलायन हुआ, और वहाँ से उन्होंने रामपुर जैसी स्टेट, ग्वालियर या और आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जाके उन्होंने शरण ली। और यहाँ पर जिस जिस स्टेट में या जिस जिस राज्य में, जिस जिस प्रदेश में उनको वहाँ के शासकों द्वारा, चाहे वो नवाब थे, चाहे वो छोटे राजा थे, या चाहे कोई रईस थे, उनसे यदि उनको संरक्षण मिला तो ठीक था, नहीं तो उन्होंने किसी भी ऐसे प्रदेश में जाके अपनी परंपरा को जीवित रखा। और इस परंपरा को जब उन्होंने जीवित रखा, उन्होंने आगे की पीढ़ियों को देते गए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर एक स्टाइल पनपा, यानी जैसे हम कहते हैं कि एक विशिष्ट स्टाइल जो है वो इन अलग अलग क्षेत्रों में उसका डेवलपमेंट हुआ, उसकी उन्नति हुई, और इसी स्टाइल को जो है घराना कहा गया। यानी उस नाम को, घराने को किसी विशिष्ट प्रदेश से जोड़ दिया गया। जैसे कहते हैं कि रामपुर स्टेट में जो डेवलपमेंट हुआ, जिस प्रकार से संगीत जो है आगे बढ़ा, तो उसको रामपुर घराने के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से ग्वालियर जो कि गढ़ रहा है संगीत का, तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ के राजा महाराजाओं ने जो है संगीत को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा योगदान दिया, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कला को यदि जो हम आगे बढ़ाते हैं उसमें यदि शासक की यदि एक कहा जाए कि कृपा दृष्टि रहे या शासक का एक सपोर्ट रहे तो कला कहीं से कहीं पहुँचती है। तो ये जो है ग्वालियर जैसी जगह रही, आगरा एक जगह रही, तो इस प्रकार के जो जो जगहें हैं इनके नाम से जो है उस शैली को जोड़ दिया गया, और ऐसे ही जन्मा घराना, जिसे कि रामपुर घराना, ग्वालियर घराना, और आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना, इस प्रकार से बहुत से अलग अलग प्रदेशों से उसको जोड़ दिया गया।
तो ये घराना परंपरा की जो नींव है वो इस प्रकार से पड़ी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि दरबारों में जिस प्रकार से राजा महाराजाओं या बादशाहों ने कलाकारों को नियुक्त किया था, अब इस शैली को यानी घराना परंपरा को बनाने में इनका क्या योगदान रहा? योगदान बहुत बड़ा था इन शासकों का, क्योंकि पहली बात कि उन्होंने कला की कदर की, कला को समझा, उसकी गूढ़ता को जाना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा, और इसीलिए उनके दरबारों में ये सुरक्षित रही और ये दिन पर दिन पल्लवित और पुष्पित रही, यानी दिन पर दिन वो फली फूली, हम साधारण शब्दों में कहें कि फली फूली। दूसरी बात, इन कलाकारों को वो समय समय पर सम्मान किया करते थे, पुरस्कार दिया करते थे, और ये सम्मान या ये पुरस्कार उनकी अपनी एक डेवलपमेंट के लिए, कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी थी। और एक बात थी कि आपस में जो आसपास के प्रदेश थे या दूसरे प्रांतों के, दूसरे प्रदेशों के जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उनके कलाकारों की भी आपस में प्रतियोगिताएँ होती थी, और ये एक बड़ा सम्मान के साथ जोड़ा गया था कि अमुक राजा जो हैं उनके प्रदेश में अमुक गायक है, उनकी प्रतियोगिता किसी और राजा के प्रदेश में जो जो समय के गायक या वादक रहे, कलाकार जो रहे, उनसे उनका कंपटीशन होता था, और उसके आधार पर सारे श्रोता सुनते, जनता भी सुना करती थी। तो इस प्रकार से एक तरह से प्रिपरेशन जो है वो बरसों की प्रिपरेशन उसमें लगती थी, और उसके आधार पर जो एक अच्छा कलाकार जो है, मंझावा कलाकार जो है, वो आगे आता था। तो ये बहुत एक खूबसूरत सी बात थी, जो कि मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत एक प्रेरणादायक भी है। आज भी यदि हम उसको यदि कंपेयर करें तो आज भी यही होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, फेलोशिप्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इन चीज़ों के द्वारा कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। तो ये प्रोत्साहन ही तो है कि पहले ज़माने में राजा महाराजा किया करते थे, आज के ज़माने में सरकार करती है। सरकार के अलावा भी मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको संगीत में बहुत रुचि है और वे संगीत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो एक सपोर्ट की तरफ या स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको यदि किसी का भी क्या कहना चाहिए, प्रोत्साहन मिले, तो उसकी कला जो है दिन पर दिन निखरती है। राजनीतिक परिस्थितियों का जो है बहुत बड़ा असर पड़ा संगीत के आगे प्रचार और प्रसार में, कि राजनीतिक परिस्थितियां जो रहीं उसमें ये भी चीज़ रही कि जब आक्रमण हुए, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि जो आक्रमण हुए, तो वहाँ पर इन आक्रमणों में बहुत से कलाकार जो है उनके लिए ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता था कि उनकी कला को जो वर्षों से इतने निर्भय होकर वह एकाग्रता के साथ कर रहे होते थे, तो उस साधना में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ता था। तो राजनीतिक परिस्थितियाँ जहाँ चेंज हुई, उसके अलावा जब उस जगह पर दूसरा शासक आया, यदि उसकी संगीत के प्रति रुचि है या उसके जो क्या कहना चाहिए, उसका उसके जो सपोर्टर्स होते थे या उसके जो ऐसा मंत्रिमंडल जो कि उसको परामर्श देता था, जो उसको किस प्रकार से शासन करना है, हर एक चाहे हम इतिहास को लें चाहे वर्तमान को लें, तो इस प्रकार से एक विमर्श करने, विचार विमर्श करने वाला एक मंत्रिमंडल रहता है, जिसे हम थिंक टैंक भी बोलते हैं आज के समय में, कि वो जो है एक तरह से बताता है कि क्या वो किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए, किस प्रकार से किसी चीज़ कोई भी चीज़ को यदि आगे बढ़ाना है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये ऐसे एक परामर्श देने वाले मंत्रीगण हुआ करते थे, और उनमें किस प्रकार का संगीत के प्रति रुझान था, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एक कलाकार के लिए। यदि तो वो उसके पक्ष में हुआ करता था तो कला दिन पर दिन आगे और बढ़ती जाती थी, और निर्भय होकर एक तरह से बड़े बैलेंस्ड वे में जो है कलाकार अपनी साधना करता था। लेकिन जहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, जहाँ पर कि इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ चेंज होके अगली जो शासक आए या अगली जिस प्रकार की परिस्थिति रही, वो यदि संगीत के लिए अनुकूल नहीं थी, तो वहाँ से म्यूजिशियंस जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वहाँ से मूव कर गए, वहाँ से उन्होंने पलायन करके दूसरे स्थानों पर चले गए। तो जो मैं आपको बता रही थी कि
पलायन जो है उसका ये घराना परंपरा जो है पलायन उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा कि वो या तो उस क्षेत्र में या वहाँ से हटकर जब दूसरी जगहों पर स्थापित हो गए तो उन्होंने उस स्थान के नाम पर अपनी शैली को एक पहचान देने के लिए जो है अमुक घराने का नाम दे दिया गया। तो ये घराना परंपरा कैसे बनी ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत बड़ी जो बात कही जाती है कि संगीत की परंपरा में विविधता यानी जो हम वेरिएशंस कहते हैं अलग 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 स्टाइल्स जो हम कहते हैं उसको और एक तरह से कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता जिसे हम कहें वो और एक इंडिविजुअलिटी यानी सह अस्तित्व ये बहुत ज़रूरी था संगीत की परंपरा के लिए। विविधता यानी जिसमें वेरिएशंस हो जो भी शैली है उसमें जो जो वेरिएशंस होती हैं जो अलग अलग तरीके से जिस तरह से पेश किया जाता है चीज़ों को वो होना बहुत ज़रूरी था। कंटिन्यूटी यानी कि वेरिएशन के साथ साथ जो एक लगातार एक निरंतरता यानी कोई भी स्टाइल है उसमें अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के अंदर भी डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट तरीके से क्रिएटिविटी जिसे हम कहें वो अलग अलग तरीके से हर वक्त एक कुछ नया कुछ सामने आना या किसी चीज़ को किस प्रकार से पेश करना इससे भी वेरिएशन बनती है। उसके अलावा निरंतरता जिसे हम कहें कि एक कंटिन्यूटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से आगे की पीढ़ी में कोई चीज़ जाना वो कंटिन्यूटी और उसके अलावा सह अस्तित्व यानी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी एक खास पहचान ये किसी भी संगीत परंपरा के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ ने घरानों को एक अपनी एक अलग पहचान दी। प्रत्येक घराने में कुछ अपनी खास चीज़ें हैं जो उसकी हम कहते हैं कि जो जिसने उसको और चीज़ों से अलग बनाया है और प्रत्येक घराने में जो है एक कंटिन्यूटी है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता चला रहा एक धरोहर के रूप में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी संपत्ति देती है और उसके बाद वो आगे की पीढ़ी को देता तो एक कंटिन्यूटी चला आ रहा है और एक इंडिविजुअलिटी यानी उसकी अपनी एक ऐसी ख़ास चीज़ जो उसकी अलग पहचान का भी प्रमुख केंद्र है। तो ये जो कहा जाए कि सह अस्तित्व वाली जो चीज़ें हैं इसने घराने परंपरा में संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो घराना परंपरा के बारे में एक संक्षिप्त रूप में कि घराना परंपरा है क्या ये आपको समझ में आया होगा इसी को हम आगे नेक्स्ट अपने सेशन में आपको बताएंगे। Thank you.
कलात्मक रूप में घरानों की परंपरा जो है आगे तो बढ़ी, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिभा संपन्न कुछ ऐसी विभूतियाँ हुई जिन्होंने कि उस परंपरा को और विकसित करने के लिए अपना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योगदान से हम ये कहें कि घरानों की जो एक विशिष्टता है, घरानों की एक जो स्पेशल फीचर्स हैं, उसकी उसको जानने में बहुत आसानी हुई। हम कहें कि उनके व्यक्तिगत क्या कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन से जो है घरानों में और चार चांद लगा, उनकी शैलियां और डेवलप हुई। और हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब कि विविधता आने से एक घराने में यदि कोई चीज़ है वो दूसरे घराने बिल्कुल फ़र्क हो जाएगी, ऐसा नहीं था। देखिए, संगीत के मूल सिद्धांत तो वही थे, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप में यदि किसी ने उस किसी घराने में कोई ज़्यादा योगदान दिया है, उसकी ख़ास एक उसमें पहचान है या उसका उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, तो वो ऐसी क्या ख़ास गुण हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो उनका एक व्यक्तिगत योगदान माना जाए। जैसे हम कहें कि आवाज़ का लगाव, मुंह कितना खुलना है या किस प्रकार से रागदारी को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, तानों में, आकार में, आलापचारी में किस प्रकार से डेवलप करना है, इसमें जो इंडिविजुअल उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था घराने को एक विशिष्टता प्रदान करने में। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि संगीत के मूल सिद्धांत ही बदल गए। देखिए, मूल सिद्धांत जो है वो वहीं के वहीं रहे, लेकिन ये इस विशिष्टता के ऐड होने में जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो रागदारी परंपरा रही, यानी रागदारी जो संगीत है उसको विकसित होने में जो है उसके विकास में एक बहुत बड़ा योगदान था। वो इतना खूबसूरत रूप से विकसित होके सामने आए कि आज के यदि विद्यार्थी को यदि, क्योंकि आज का विद्यार्थी जो है उसको ये बहुत क्या कहना चाहिए, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट, उसको सभी चीज़ें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं था, पुराने समय में एक परंपरा की तालीम यदि किसी को मिल रही है दूसरे परंपरा की तालीम सुनने को भी नहीं मिलती थी, या उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो इजी नहीं थी। लेकिन आज के संदर्भ में यदि हम कहें कि आगरा घराने की गायकी और पटियाला घराने की गायकी, रामपुर घराने की गायकी और ग्वालियर घराने की गायकी, सेम टाइम में वो उसको इंटरनेट में आराम से उसको सुन सकता है, देख सकता है और अंतर भी उन दोनों में, उन तीन चारों में पहचान सकता है। तो यानी इट इज़ ईजीली अवेलेबल नावाडेज। आप पहले के समय में ये इतना अधिक संभव नहीं था, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी, इतने जो आजकल मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है, टेक्निकली जो इतना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है, इतना विस्तार हो चुका है, ईजी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है आपके मोबाइल पे भी है, इंटरनेट पे भी है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल हमको प्राप्त हैं। लेकिन पहले की जनरेशन या उससे की पहले की जनरेशन को ये इतना ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि रागदारी संगीत के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन हाँ, मूल जो संगीत के सिद्धांत हैं वो चेंज नहीं हुए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने राग एमन की एक बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ। राग एमन की बंदिश जो है ये ग्वालियर घराने में बहुत गाई बजाई जाती है, और देखिए यह बंदिश हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्वालियर घराने की है, ये बंदिश जो है सभी घराने के लोग गाते हैं। इस बंदिश को जो है इसको आज का विद्यार्थी भी इसको गाता है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग आजकल की होती उसमें भी इस बंदिश को गाया जाता है, लेकिन ये बंदिश इसका जुड़ाव ग्वालियर घराने के साथ जोड़ा गया है और वहाँ के प्रख्यात गायक, सुविख्यात गायक जो हैं वो इस बंदिश को कब से गाते चले आ रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जब इस बंदिश को देखते हैं तो राग तो वही है, राग एमन ही है, लेकिन उसकी प्रस्तुतिकरण, उसकी जो प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, उसकी जो शैली है, उसकी जो स्टाइल है, उसमें डिफरेंस आता है। तो ये जो स्टाइल में डिफरेंस है, ये स्टाइल की जो विशेषता है, शैली की जो खासियत है, वो घराने की खासियत को दर्शाता है। यानी इस घराने में इस राग को, इस बंदिश को यदि ऐसे गाया जाए तो वो घराने की शैली को, घराने की विशिष्टता को वो सामने लेकर आता है। तो प्रस्तुत करती हूँ ग्वालियर घराने की जो है राग एमन की इस बंदिश को, जो कि सभी जगह आजकल गाई बजाई जाती है।
नजरिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम एक घरी पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी कवन जतन कवन जतन अब करिए आली नाही पर मोहे चैन एक घरी नाही पर मोहे चैन एक घरी पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया अब आप देखिए मैंने बंदिश को गाया। बंदिश का संबंध जरूर ग्वालियर घराने से है लेकिन जिस परंपरा से जिस घराने से आपकी तालीम होती है उसकी जो विशिष्टताएं हैं यानी उसकी उसकी तरीके से आवाज़ का लगाना सुर का बढ़ना अलापचारी वो सब जिस घराने से तालीम हुई होती है यानी जिस परंपरा से जिस शैली जिस ट्रेडिशन से आपकी तालीम होती है वो उस ट्रेडिशन से लेके ही उसको डेवलप करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मूल सिद्धांत यानी कि राग एमन का विस्तार कैसे होता है, राग एमन में कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, स्वर संगतियाँ कौन सी होती है, उसका स्वरूप क्या है, ये जो मूल सिद्धांत है ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा लेकिन उसकी उसमें जो क्रिएटिविटी है उसको एक अलग उसको स्वरूप देने में घराने जो हैं अलग अलग घराने उनका अलग अलग तरह का योगदान होता है। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बंदिशें जो हैं वो भी घरानों से जुड़ी होती हैं यानी उस घराने की बंदिश इस घराने की बंदिश इस प्रकार से भी यदि आप कहीं सुनेंगे तो ये समझ जाइए कि ये बंदिश का संबंध अमुक घराने से है। एक और बात जो है मैं बताना चाहूँगी कि पहले ज़माने में क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था ये कहा जाता था कि जब कोई जैसे कि विवाह समारोह होते थे या किसी पर कोई पुरस्कार के रूप में कोई दिया जाता था तो बड़े बुज़ुर्ग लोग बंदिशों को दिया करते थे कि आपको जो प्रसन्न होकर मैंने ये बंदिश आपको दी यानी जैसे कि पैतृक संपत्ति जो मैंने कहा कि पैतृक संपत्ति की तरह उसको रखा जाता था कि ये बंदिश आज से मैंने भेंट के रूप में तुमको दी है एक उपहार के रूप में तुमको दिए खुश होकर इनाम के रूप में दिए ऐसे भी कलाकारों में जो है बंदिशों का आदान प्रदान होता था और बंदिशों का संबंध जो है वो बहुत कुछ जो है घरानों से था। आज के समय में क्योंकि इतना विस्तार हो चुका है तो किसी भी घराने की कोई भी बंदिश जो है आपको यदि नेट पे अवेलेबल है तो विद्यार्थी उसको सीख सकते हैं। साथ ही साथ पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका जो एक संग्रह जो है उसमें बहुत सी जो बंदिशें दी हैं जो अलग अलग घरानों की बंदिशें भी हैं तो उन कलाकारों के पास जाकर उन्होंने इन बंदिशों को संग्रहित किया इनको लिपिबद्ध किया तो हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा उपहार हम कहें कि पंडित भातखंडे जी ने आगे की पीढ़ी के लिए संजो कर जो दिया है ये उनकी पूरे जीवन का जो एक परिश्रम का जो एक निचोड़ है वो हमें मिलता है और इन बंदिशों को ये परंपरागत घरानेदार बंदिशें या हम कहीं खानदानी बंदिशें भी कहा जाता है इनको इन बंदिशों को जो है ऐसे संग्रहित करके आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही सुगम रूप से उपलब्ध कर दिया गया है। तो बंदिशों की जहाँ बात की तो बंदिशों से भी घराने को घरानों को जाना जाता है जैसे कि रामपुर घराने की एक बंदिश मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये बंदिश राग मारू बिहाग में है और इसमें इस बंदिश को के रचनाकार जो है इनायत हुसैन खां साहब क्योंकि उस उनका जो नाम जो है वो इस बंदिश के साथ जुड़ा है तो रामपुर सदारंग रामपुर की परंपरा की जो बंदिश है घराने की इस प्रकार से आ
तरपत रे न दीना, तरपत रे न दीना, तरपत रे न दीना, तरपत रे न दीना, पिया बिन मोरा जिया, तरस तरपत रे न दीना, तरपत रे न दीना, पिया बिन मोरा जिया, तरस तरपत रे न दीना, तरपत रे न दीना, इनायत पिया तोरे उदाहरण था राग मारू बिहाग का, जिसमें कि ये बंदिश जो है रामपुर घराने की बहुत ही प्रचलित बंदिश है। इनायत हुसैन खान साहब ने इस बंदिश की रचना करी, तो ये पता बंदिश के अंतरे में, क्योंकि उन्होंने उनका नाम आता है। तो इस प्रकार से जो जो वाद्यकार हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे, गायक कलाकार हुआ करते थे, जो भी उस बंदिश की रचना करता था, एक उपनाम की तरफ या तो अपना नाम या उपनाम की तरह जो है अपना नाम जोड़ देता। इस प्रकार से बहुत सी साधारंग अधारंग की बंदिशें जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि बंदिशों का भी बहुत बड़ा महत्व था घराना शैली में, और ये बंदिशें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक परंपरा से दूसरी परंपरा यानी दूसरी पीढ़ी को सौंप दी जाती थी धरोहर की तरह। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पैतृक संपत्ति की तरह इसको जो है लिया जाता था। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि पैतृक संपत्ति होने की वजह से परिवार में ही जो है इसको आगे दिया जाता था धरोहर के तौर पर। तो आज के संदर्भ में यदि हम ये सोचें कि ये तो बड़ा संकुचित और बड़ा सीमित सा सोच था कि सिर्फ परिवार में इसको दिया जाए, इसके भी बहुत से कारण थे, क्योंकि शायद मैं कहूँ कि राजनीतिक परिस्थितियाँ रही होंगी या आर्थिक परिस्थितियाँ रही होंगी या सामाजिक परिस्थितियाँ रही होंगी, उस समय की क्या सिचुएशन रही होगी वो इस बात को या इस चीज़ को इस तरह के सोच लाने में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इस प्रकार से बड़े बड़े कलाकार या बहुत से ऐसे गुरु लोग हुए हैं जिन्होंने जहाँ पर देखा कि योग्य शिष्य यदि उनको मिला है तो उन्होंने उन योग्य शिष्यों में भी जो है इस परंपरा को या अपने घरानेदार चीज़ों को वितरित किया, उनको भी सिखाया है। यदि ऐसा न होता तो मैं नहीं समझती कि आज के संदर्भ में घराना परंपरा जो है वो जीवित रह पाती। जैसे ग्वालियर जो है, ग्वालियर घराने के जो बड़े बड़े कलाकार या जो संस्थापक रहे हद्दू हस्सू खां साहब जो हैं, उन्होंने यदि अपने अपने जो आगे शिष्य परंपरा में यदि संगीत को नहीं आगे बढ़ाया होता तो ये संगीत जो है ये आज ग्वालियर घराने की जो परंपरा है आज जीवित नहीं रहती, और उनके शिष्यों ने भी उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से जो है आगरा घराने के, रामपुर घराने के, किराना घराने की परंपरा ये आगे बढ़ती चली गई, और इन जो उदार जो गुरु कहें या हम कहें कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि सिर्फ ये संगीत जो है हमारे परिवार में ही ना रहकर जो है परिवार से बाहर भी जाए, उनके पास है जो कि पात्र हैं यानी सुपात्र जो हैं, जो उसकी कदर करते हैं, जो उसकी उन्नति में अपना योगदान दे पाएंगे, उनको ये दिया गया। तो इस प्रकार से जो है ये परंपरा जो है आगे बढ़ी।
अब हम कह सकते हैं कि जो घराने, अलग अलग जो घराने हैं उनमें क्या समानताएं रही हैं और क्या अंतर रहा है। तो आगे हम जब इस ये लेक्चर सीरीज़ के जब हम और पार्ट्स देखेंगे उसमें हम आपको अलग अलग घरानों के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये पहला इंट्रोडक्टरी है इसीलिए इसमें थोड़ा सा ही बताना ज़रूरी है कि जो क्या समानताएं रही और क्या डिफरेंट यानी जो अंतर हम कहे जाए क्या भेद रहे इन परम इन घरानों में इसको जान लिया जाए। तो जहाँ तक समानता की बात है, समानता में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन थी, जैसे कि इसकी परंपरा यानी कि उसका जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण सभी में था, सभी घरानों में प्रशिक्षण अनिवार्य था, सभी घरानों में अनुशासन को मानना अनिवार्य था, संगीत की उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो मौलिक सिद्धांत थे वो सभी में समान थे, और जहाँ तक कहा जाए कि गुरु शिष्य परंपरा का होना ज़रूरी था क्योंकि एक मौखिक विद्या है यानी सीना बसीना तालीम जिसे कहा जाए कि सामने जो है गुरु शिष्य शिक्षा देता है शिष्य को और वो ये मौखिक परंपरा को जो है आत्मसात करता है। तो यहाँ पर हम कहें कि अब तो बहुत मॉडर्न ज़माना हो गया है, अब ये सब संभव नहीं है, ऐसा नहीं, ज़रूरी है सामने बैठ के तालीम लेना क्योंकि किताबों में सभी कुछ है लेकिन कहते हैं किताबें तो बोलती नहीं है, वो आपको वो लाग या किस तरह के से स्वरों का लगाव है, क्या कहाँ पर कितना मींड का इस्तेमाल करना है, गमक का इस्तेमाल करना है, कौन से स्वर में किस प्रकार की मुर्की, ये सब चीज़ें आपको किताब से नहीं, वो जब तक आप सामने नहीं सुनेंगे या सामने नहीं सीखेंगे वो संभव होना मैं ज़रूरी नहीं मानती हूँ। तो इसलिए कहा जाए कि गुरुमुखी शिक्षा जो थी इसका होना अनिवार्य था घराना परंपरा में। आज भी घराना परंपराएं जो भी चल रही हैं उनमें ये अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो है यानी जिस प्रकार से बहुत सी संस्थाएं खुली हैं वहाँ पर भी जो भी ट्रेनिंग दी जाती उसमें भी तो सामने बैठ के ही सिखाया जाता है, तो क्योंकि मौखिक विद्या है तो इसीलिए इसको सामने बैठ के सीखना अनिवार्य है। इसके अलावा जो हम कहें कि कला कौशल के द्वारा अभिव्यक्ति यानी जो आप भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं उसको अपनी कला कौशल के द्वारा यानी एक राग को आप किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आपका क्या कौशल, किस प्रकार से अपना कौशल दिखा रहे हो उसमें, तो वो बहुत ही ज़रूरी और सभी घरानों में ये अनिवार्य थी। इसके अलावा हम और यदि पॉइंट्स देखते हैं तो एक जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि एक इसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी थी यानी गुरु से शिष्य, शिष्य से उसके शिष्य, उससे उसके शिष्य से आगे के उसके शिष्य, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जाना। ये ज़रूरी नहीं है कि पीढ़ी में सिर्फ परिवारवाद हो, पीढ़ी में शिष्य गुरु और शिष्य की जो मैंने बोला वो बहुत ज़रूरी था, गुरु का शिष्य जो है वो चाहे वो परिवार का सदस्य क्यों ना हो लेकिन वो भी एक शिष्य के रूप में ही होगा। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य की जो एक एक जोड़ी थी इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान था जो कि हर घराने का एक इम्पॉर्टेंट जो है एक फीचर था। इसके अलावा इसमें कहा जाए परंपरागत बंदिशों की बात जो मैंने आपको बता दी, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बताया कि क्योंकि मौखिक विद्या थी, सीना बसीना तालीम थी, अनुकरण यानी उसको जैसे गुरु से सीखते हैं सुनते हैं उसको वैसे ही सीखना, उसको पहले कॉपी करना और फिर उसको उसका चिंतन करना, यानी कॉपी करना तो हम कहें कि ब्लाइंडली कॉपी करो ऐसा नहीं, उसको गुरु से जिस प्रकार से जैसे मैं अपने गुरु से सीखा तो मैंने अपने गुरु से सीखा अब मेरे गुरु ने मुझे ऐसे सिखाया मैंने उसको ऐसे ही सीखा, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन करो, उसमें सोचो कैसे अपने वेरिएशन ला सकते हो, तरपत रहना देना तरपत रहना देना रहना देना पत रहना देना, जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है आप चिंतन करते हैं, आप सोचते हैं कि क्या इस स्वर संगति को यहाँ पे ऐसे लिया जाए, एक वेरिएशन दिखा जाए तो क्या ये राग के अनुकूल होगा, लेकिन ये आपको सोचना है। और वो एक चीज़ और ध्यान देने की, वो राग के अनुकूल होना चाहिए यानी राग के जो एक डिसिप्लिन है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो शुरू में ये भी पता नहीं चलेगा कि आप सही गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु और शिष्य परंपरा को इसी प्रकार से अनुकरण करना यानी उसके जैसे कहते हैं कि गुरु के ही पदचिन्हों पर चलना। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो गुरु की जो शैली थी यानी जो घराने की जो विशिष्टता थी वो इसी प्रकार से आगे बढ़ी।
तो आप जब कहते हैं कि ग्वालियर घराने की ये खासियत है या आगरा घराने की ये खासियत है, तो आप देखिए कि सभी शिष्यों में वो विशिष्टता, वो विशेषता जो है वो ज़रूर आती है, ख़ास चीज़ जो है वो उसमें नज़र आती है। वो अलग बात है कि हर शिष्य उसके बाद उसमें अपनी भी एक इंडिविजुअलिटी यानी अपना भी एक योगदान वो देता है उसको और डेवलप करने में। तो हर परंपरा में अनुकरण, और ये क्या इसका स्टार्टिंग कहाँ से, वो अनुकरण करना यानी गुरु का ही अनुकरण करना, गुरु को ही जिस प्रकार से गुरु चल रहा है उसको कॉपी करना, उसको कोशिश करना वैसे कॉपी करे, और धीरे धीरे उसको समझना, उसका चिंतन करे, सिर्फ उसको कॉपी नहीं करे, उसको सोचे कि ऐसा क्यों है, यदि ऐसा है तो इसको किस प्रकार से गाए कि वो उसका भाव वैसे ही आए, राग के साथ जस्टिस हो, अलापचारी के साथ जस्टिस हो। और जो घरानेदार परंपरा की जो ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास जो फीचर्स उसके हैं, ख़ास जो गुण हैं उसके, वो सामने आने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है घरानों के लिए। और जहाँ तक कि रागदारी परंपरा की बात है, रागदारी परंपरा को बढ़ाने में घरानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये तो समय समय पर जो मैं आपको और घरानों के बारे में बताऊँगी उसमें आपको और अधिक क्लियर समझ में आएगा। अब रही बात अंतर की, सबसे पहला अंतर था नाम के ऊपर कि अमुक घराना ग्वालियर घराना है, ये रामपुर घराना है, जयपुर घराना है, ये पटियाला घराना है, तो यानी स्थानों से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है व्यक्ति विशेष के नाम पर भी है। तो आप देखिए कि स्थान नाम जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ हम कहते हैं कि ये किराना घराना है तो किराना घराने की विशेषताएँ जो है वो सामने आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि मैं कहूँ सबसे बड़ा डिफरेंस है जो घरानों के अंदर अलग अलग घरानों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक बात है, हर घराने का अपना अनुशासन है, अपना एक डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन उसको सीखने में, उसकी प्रस्तुतिकरण में, वो एक डिसिप्लिन को फॉलो शिष्य को करना ही पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कि अंतर है घरानों में। घरानों में अभ्यास करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं, किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, गुरु ही बताता है शिष्य को कि अभ्यास ऐसे किया जाए। हमारे घराने में, जैसे किसी घराने में हम कहें कि आकार को डेवलप करने का एक विशिष्ट स्टाइल है, या ओंकार से शुरू करते हैं, किसी किसी घराने में सीधे बंदिश सा लगा और बंदिश से शुरू करते हैं, किसी किसी घराने में साई और अंतरा बंदिश, पहले पूरी बंदिश गाने का फिर राग का विस्तार करती है, यानी ये उसकी एक अपनी विशिष्ट विशेषता है जिसको कि उस घराने में होना ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो तरीके हैं ये पहले उसको अभ्यास कराए गए होंगे, ये जो अनुशासन है उसको पहले बार बार गुरु ने प्रैक्टिस कराया होगा, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद जब उसने उसको आत्मसात किया तो वो क्वालिटी उस घराने की वो उस शिष्य के अंदर पूरी आ गई, और वो जो है अमुक घराने का जो स्टाइल है, जो शैली है, उसमें वो पूरी तरह से शिष्य ढल जाता है। और जब ढल जाता है उसके बाद वो आगे की जब परंपरा या आगे की पीढ़ी को जब ये धरोहर देता है तो वो उसी तरीके से उसी स्टाइल को देता है। इसी प्रकार से एक और अंतर है, वो है बंदिशों का यानी कॉम्पोजिशंस का, कि अमुक घराने की बंदिशें यानी ये बंदिश इस घराने की, ये बंदिश इस घराने की है, तो ये बंदिशों में भी अंतर है। आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है, नेट इंटरनेट है आपके, आप गूगल में कहीं भी कुछ सर्च कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको कॉपी करके आसानी से उसको सीख लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर जो है, लेकिन कहने को बंदिश जो है वो हम यही कहेंगे कि ये बंदिश अमुक घराने से है। तो एक चीज़ और है जो मैं आखिर में कहूँगी कि हमने बंदिश को सीखा, हमने किसी घराने के की खासियत को जानते हुए उस घराने में किस प्रकार से स्वरों का लगाव जो है वो कैसे प्रस्तुत किया जाता है। स्वरों का लगाव जो है, जहाँ लगाव स्वरों का आता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि घराने जो हैं उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो है, मैं यदि आज तक की बात करूं तो उसको सुरक्षित और संरक्षित करने में जो है बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे दिल्ली घराना हो, चाहे ग्वालियर घराना हो, चाहे रामपुर घराना हो, या कोई भी अन्य घराना हो, उनकी अपनी इंडिविजुअल जो है एक पहचान है, अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन साथ ही साथ सबका ध्येय यही है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाया जाए, निरंतर उसको एक धरोहर के रूप में आगे की पीढ़ियों को सौंपा जाए,
ताकि ये जो एक कभी न खत्म होने वाली जो एक धारा है ये निरंतर प्रवाहित होती रहे। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी ने कहा कि यूं ही धारा प्रवाह होता रहे, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए निरंतर यूं ही लेक्चर्स आयोजित करते रहें। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस श्रृंखला के माध्यम से ज़रूर घरानों और उनकी परंपराओं को सीखेंगे, अनुभूति करेंगे कि किस प्रकार एक घराना दूसरे घराने से अलग है, पर कहीं ना कहीं मूलभूत तत्व जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के हैं वो हमेशा वही थे और वही रहेंगे। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।